गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और ये सुबह 5 बजे की वीडियो है दोस्तों। आज मैंने गाय गोबर सब कुछ काम में नहीं किया था क्योंकि मम्मी सो रही थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मम्मी तो हमेशा काम करती हैं, लेकिन हम भी अगर कभी आए तो मम्मी को थोड़ा आराम करने दें और हम कुछ काम कर लेते हैं। तो मैंने कितने दिनों बाद आज मैंने गाय भैंस का काम किया था। अच्छा भी लगता है गाय भैंस का काम करने में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सानी की थी मैंने और गोबर भी उठाया था, गाय को भी उसकी जगह पे बांध दिया था मैंने। और ये देखो मौसम कैसा हो रहा है, सुबह 5 बजे की वीडियो है दोस्तों ये। और ये मैंने सानी मिला दी है दोस्तों, अंधेरे में थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि उस टाइम तो अंधेरा रहता ही है 5 बजे। और मैं ये गाय की जो छोटी बच्चिया है उसके लिए वहीं पर मैं रख देती हूँ, उसके खाने के लिए उसकी न्यार। और क्योंकि वो भगती है और मैं उसको नहीं बांधती हूँ, वो लात मारती है इसलिए। और मौसम देखो आप कितना अच्छा हो रहा है दोस्तों, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। और ये देखिए यहाँ पर मैं गोबर उठाऊँगी। और ये देखो गाय की आँख कैसी चमक रही हैं, अंधेरे में गाय की आँख इस तरह से चमकती है जैसे कोई लाइट चमक रही हो। और दोस्तों ये मैंने यहाँ पर गोबर उठा लिया है और मैं यहाँ से झाड़ वाड़ के नीचे साफ अच्छे से साफ कर दूँगी। जब तक मम्मी जगेंगी जब तक ये काम हो जाएगा पूरा दोस्तों। ये शादी से पहले मैं ये सारा काम करती थी, अब मेरे को काफ़ी साल हो गए ये काम किए। काफ़ी सालों बाद मैंने सुबह जल्दी 5 बजे ये काम किया था और उस टाइम मम्मी सो रही थी। मेरी मम्मी भी दोस्तों बहुत थक जाती होंगी काम करते करते, सारे दिन अकेले काम करती हैं, घर का भी और भैंसों का भी और न्यार भी कूटती हैं, बहुत सारा काम निकलता है दोस्तों अकेले के लिए मेरी मम्मी के लिए। खुल जा, खुल भी बहुत थक गई थी ये काम करके, नहीं तो बहुत सारा काम निकला सुबह से। हम आज मतलब मैंने मम्मी को बोला था कि सारे दिन भैंसों का गाय का काम में ही करूंगी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। ये काम हो गया था, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और हमारे यहाँ का मौसम आप देख सकते हो कितना सुहाना हो रहा है। और बारिश हुई थी कल बहुत तेज, एकदम हरियाली हरियाली आ गई है। और मैं आपको बताती हूँ सामने पीछे का कैमरा करके, ये देख सकते हो मेरी मम्मी रोटी बना रही हैं पानी की हाथ से बढ़ा के। पलोतन वाला तो उनकी रोटी मेरी मम्मी नहीं बनाती है, चकला बेलन की बेल के। और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है दोस्तों, आप देख सकते हो। जिस तरह से बनती हैं झटपट बनने वाली रोटी है दोस्तों, ये तंदूरी वंदूर की रोटी सारी फेल है इसके सामने। ये खाने में इतनी टेस्टी लगती हैं, कोई 2 की जगह 4 खाएगा इनको, गरम गरम खाते हैं जब तो और ही स्वाद आ जाता है खाने में। और ये बन गई है हमारी बैंगन आलू की सब्जी देखिए। और मम्मी ने बनाई है लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाने से आयरन की मात्रा भरपूर मात्रा में मिलती है और टेस्टी भी लगती है दोस्तों। और देखिए मम्मी इस तरह से तीनों रोटियों को एक साथ हाथ से एक बढ़ाती हैं, एक चूल्हे में एक तवे पर, और इस तरह से बनाती हैं।
मेरी मम्मी रोटी बना रही हैं। मेरी मम्मी बहुत जल्दी रोटी बनाती है, चाय एक बार में 10-15 इंसान खाना खाने के लिए बैठता है तो उनको तुरंत ही पेट भर देती है खाना बना के, क्योंकि चूल्हे पे बहुत जल्दी रोटी बनती है। और ये देख सकते हो मेरी मम्मी नया रोज़ नया कुछ ना कुछ नया बना के खिलाती हैं, जब तक मैं जाऊँगी जब तक पता नहीं क्या क्या बना के खिलाऊँगी। आज मम्मी ने घिया का हलवा बनाया है और ये देखिए चूल्हे पे बनाया है मम्मी ने घिया का हलवा। घिया का हलवा खाने में बहुत टेस्ट लगता है दोस्तों, और गाय के दूध में बनाया है और गाय के दूध में तो अलग ही टेस्ट आता है घिया का हलवा खाने के। ताज़ा ताज़ा घिया थी खेत की टूटी हुई दोस्तों। और उसके बाद मैं कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई, और ये शाम की वीडियो है। मैंने बोला था ना कि मैं सारे दिन भर का काम गाय भैंस का खुद ही करूँगी। मम्मी आराम कर रही हैं, बैठी हैं, मेरे बाबू को खिला रही हैं, और मैं यहाँ पर देखी भैंस के लिए गाय के लिए चूड़ा लेके आ रही हूँ, भूसा जिसको बोलते हैं, जिससे हम सानी करेंगे। और ये हमारी गाय का घर है जिसमें हम गाय का चारा है खाना पीना रखते हैं अलग से, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पर हम सानी करने के लिए जा रहे हैं, हम जाकर सानी करेंगे। देखिए दोस्तों ये टीटू है, मेरी हेल्प कर रहा है काम करने में। और देखिए मम्मी वो बैठी आराम से बैठी हैं और मेरे बाबू को खिला रही हैं, क्योंकि मम्मी तो रोज़ाना ही काम करती हैं। मैंने सोचा कि अब मैं चली जाऊंगी 2-4 दिन में तो कुछ काम मैं भी कर लूं गाय भैंस का। और दोस्तों मम्मी अकेले रहती हैं और ये टीटू रहता है मम्मी के पास, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है और हम 4 बहन थे, हमारी शादी हो चुकी थी 4 बहनों की, इसलिए सारा काम मेरी मम्मी को ही करना पड़ता है। और दोस्तों मेरी मम्मी ने ये गाय भैंस हमारी वजह से ही बांध रखी हैं, क्योंकि हम कई बार आते हैं तो दूध वूध की प्रॉब्लम नहीं होती है इसलिए। और ये देखिए भैंस की खर है जिससे हम उसके खाने चारे में मिलाएंगे, जिससे ये न्यार खाते, इसमें दाना वगैरह सब कुछ डला हुआ है और ये गर्म है, उसमें पानी मिला के हम ठंडा कर लेंगे और फिर हम उसको गाय के तोड़े में मिला देंगे दोस्तों। और इस तरह से गाय की खाना पीना तैयार हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सुबह 5 बजे और शाम को 3 बजे ही गाय को चारा डालना होता है, जब ही वो टाइम से दूध देती है, नहीं तो वो दूध नहीं देगी। और दोस्तों ये देखिए ये अकेले पे उठ नहीं रहा था, ये बड़ा वाला भगोना है, इसलिए हम दोनों मिलकर इसको उठा रहे हैं और इसमें डालकर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। और देखिए दोस्तों मैंने भूसे में इसके दाने गाय के दाने को डाल दिया और मैं अच्छे से मिला रही हूँ, क्योंकि अच्छे से नहीं मिला तो गाय चारा नहीं खाएगी और वो भूखी रह जाएगी, इसलिए अच्छे से इसकी गुठलियों को भी अच्छे से मिला देते हैं। दोस्तों जानवर हो चाहे इंसान हो, अगर उनको अच्छे से खाना नहीं देंगे तो वो नहीं खाते हैं, अगर उनको स्वाद नहीं लगा तो। और यहाँ पे देखिए मेरी ये ताई जी की बहू बैठी हैं जो मेरी भाभी हैं बड़ी बड़ी, और मम्मी के साथ बातें कर रही हैं, और देख सकते हो आप उनको, इनके पास भी 5-6 जानवर बंधे हुए हैं, ये भी सारे दिन काम में लगी रहती हैं। इनकी वीडियो मैं कल डालूँगी, उसमें बताऊँगी उनके घर को भी बताऊँगी कहाँ पर है। और ये मैंने बांध दिया, ये कल्लो है हमारी, इसको हम कल्लो कहते हैं। देखिए इसको भी हमने बांध दिया है और गाय को भी बांध दिया है। और दोस्तों जब मैं पहले काम करती थी गाय भैंसों का, स्कूल भी जाती थी दोस्तों, खेतों से न्यार भी लेके आती थी, मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि जो फ़र्ज भाई निभाता है वो फ़र्ज मैंने ही निभाया था। शादी से पहले मैं हर काम करती थी साइकिल से हर जगह जाकर दोस्तों, अब मेरी शादी हो चुकी है इसलिए मैं ये काम बहुत कम करती हूँ, काफ़ी दिन में ही आती हूँ दोस्तों मैं, एक तो टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चे पढ़ने जाते हैं इसलिए आना भी नहीं होता है। जब थी शादी नहीं हुई थी, सारी जिम्मेदारी मैंने उठा रखी थी दोस्तों, हर काम मैं करती थी। मेरी मम्मी ने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि मेरी मम्मी ने हम चारों बहनों को अकेले रह के पाला है, बहुत मुश्किल हो जाती है अकेली औरत को अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना। दोस्तों हमारे लिए पूरी पढ़ाई कराई थी मम्मी ने, फिर भी अपने मतलब हमें कुछ भी दुख में कमी महसूस नहीं होने दी। और वह जहाँ बैठते हैं बगल में, वो मम्मी ने नया घर बनवाया है, ये हमारा पुराना है,
इसमें हम कम सोते हैं, सिर्फ इसमें किचन है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मेरी भाभी आई थी टमाटर लेने, उनके टमाटर ख़त्म हो गए थे इसलिए वो टमाटर लेके जा रही हैं। और यहाँ पर ये चूल्हा है, हम खाना बनाते हैं। दोस्तों मेरा यहाँ, जब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ मेरे जाने का मन नहीं करता मुझे, क्योंकि खुला माहौल बहुत ज़्यादा पसंद है, जो खेत खेत जैसा होता है। और ये देखिए टीटू ने वीडियो बनाई थी तो ये उल्टी सीधी आड़ी तिरछी वीडियो बना दी, क्योंकि उस पर वीडियो बनानी अच्छे से नहीं आती। और ये बछिया, इससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये मेरी फेवरेट है क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये मैं गोबर उठा रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर फ्रेंड मेरी मम्मी बोल रही हैं कि गाय के थन जो होते हैं जहाँ से दूध निकालते हैं वहाँ पर गोबर डाल दो, क्योंकि हमारी गाय दूध चोर है, वो अपना दूध खुद से ही पी जाती है। आप देख सकते हो मैंने गोबर घोर के गोबर घोरूँगी और इसके थनों पे मैं लगा दूँगी, क्योंकि ये दूध पी जाती है तो हमारे बच्चे दूध विंगर रह जाते हैं, जो अपना दूध पता नहीं इस तरीके से पी जाती है। हम इसके मुँह पे भी, मुँह को भी हम जब एक न्यार खा लेती है तो बांध के रखते हैं। पता नहीं ऐसी गाय हमारी पहली बार ही आई है घर में और अपना दूध खुद से ही पी जाती है, और हमारे बच्चे भी कई बार रह जाते हैं। पहले तो हमें मालूम नहीं था, पता, हम सोचते थे कि इसका दूध पता नहीं कहाँ चला जाता है। जब मम्मी ने इसको एक दिन देखा था दूध पीते हुए तब पता लगा। आप देखिए मैं गोबर घोर रही हूँ और यहाँ पर मैं फिर इसके थनों पर डाल दूँगी गोबर घोर कर, जिससे ये दूध नहीं पिए, क्योंकि गाय गोबर से मुंह नहीं लगाती है, उसको उनको बदबू आती है गोबर में से इसलिए। और बदबू तो मुझे भी आ रही थी दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए गोबर का काम किए, इसलिए मैं मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी मुझे बदबू आ रही है। और देखिए नहीं लगाने दे रही है गोबर, मम्मी बोल रही है हाथ से लगा और मैं हाथ इस तरह से डाल रही हूँ, आप देख सकते हो। थोड़ी कॉमेडी भी मैं करा रही थी, मम्मी मतलब हंस रही थी उस टाइम कि मतलब गोबर में हाथ डालने थोड़ा ऐसा ही लगता है दोस्तों, काफ़ी दिन हो जाते हैं जब गाय का काम किए तो गोबर की बदबू हाथ से जल्दी नहीं जाती।